जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर बड़े, यू नो, यू नो, एंड हर हर महादेव। एंड हमारा साथ यति सत्यनंद जी हैं हिमाचल प्रदेश से, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, यू नो। और पाटिल जी हैं मैसूर से, और विनय जी हैं टोरंटो से, सब प्रीति जी हैं टोरंटो से, यू नो। और बहुत अच्छा हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ स्वामी जी फर्स्ट, यू नो, बिकॉज ही इज एन अप विथ आर्मर्स एवरीवेयर, यू नो, एंड धर्म संसद हैज बिकम अ बिग बिग न्यूज इन हरिद्वार। ये मोदी शाह गवर्नमेंट जो है आज का, यू नो, ठीक है, यू नो, ये मैं ये मानता हूँ यूपी में ये चल रहा है, मतलब आपका बुलडोजर चल रहा है, ओके, ये तो मैं मानता हूँ। मगर ये फ्राइडे में दो दंगा हुआ, ये क्या इंटेलिजेंट फेलियर है क्या? और अगर आप देखें तो अभी नवीन जिंदल जी का, जिसको इन्होंने पार्टी से पूरा मेंबरशिप से निकाल दिया, उनका मैसेज आया है, ही एंड हिज फैमिली लेफ्ट बिकॉज ऑफ द डेथ थ्रेट, दे लेफ्ट दिल्ली एंड दे एस्केप्ड आउट ऑफ दिल्ली। कैन यू बिलीव दिस? This was once a leader of BJP, and Nupur Sharma तो underground है, और ये सब इसके वजह से है कि ज्ञानवापी में जो महादेव का लिंग मिला उसको डिफेंड करने के लिए ये लोग अपना जान देते हैं, अपना कंट्री में लिव नहीं पा रहे। ऐसा अगर बीजेपी वालों का हाल ये है तो हमारा जैसा साधारण लोगों को क्या होगा? एक है। दूसरा है, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं मगर आपको पूरा भारत में दंगा हो रहा है फ्राइडे के दोपहर में, और आपको पता भी नहीं था कि ये होने वाला है? ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर? क्या मैं बहुत सारे पुलिसमैन घायल हुए? अगर ये एक फ्राइडे निकला, दूसरा फ्राइडे आने वाला है, ये कैसा करेंगे? ये मैं मोदी शाह क्या करते हैं स्वामी जी? हमारा देश और धर्म बचा के हम इस देश में रह सकते हैं क्या जी? सबसे पहले आप सबको हर हर महादेव, माँ और महादेव आप सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबकी रक्षा करे। देखिए दिलीपन जी, जैसा कि आपने ये सवाल किया शाह और मोदी का, तो जो हमारे शाह और मोदी जी हैं, हम उनको धर्म का सबसे बड़ा योद्धा मानते थे। 2014 में हम उनको लाए हैं, मतलब लोगों ने तो मतलब अपना पसीना बहाया है। हमारे जो गुरुजी हैं या हमारे दादा गुरुजी हैं, तो उन्होंने मोदी जी को लाने के लिए पसीना बहाया था। अब मोदी जी के ये दूसरा पांच वर्षीय चल रहा है, लेकिन इन अगर हम बोले कि पिछले 8 सालों में या 9 सालों में जो यहाँ पे घटित हुआ है, जब अब हम अगर धरातल पर देखें तो पिछले मोदी जी के काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे हम सनातनी ये सोचे कि हमारा वंश या हमारा आने वाला समय सुरक्षित हुआ है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन इसमें केवल मात्र गलती उनकी नहीं, हम बोल सकते इसमें गलती हम सब की है। हमने आंखें मूंद के सत्ताधारियों पे विश्वास किया, और हमने आंखें मूंद के अपने संगठनों पर विश्वास किया। हमने वो लड़ाइयां नहीं लड़ी जो लड़ाइयां पिछले मतलब जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था, एक तथाकथित आजाद हुआ था, और हम लोगों को तथाकथित एक टुकड़ा मिला था देश का। उस वक्त उनका एक टारगेट था 100 साल बाद पूरे भारत को गजवा हिंद करना, और आज वो उस पे चलते हुए बिल्कुल सफल नीति से वो चल रहे हैं। ये जो इस्लाम के जिहादी हैं, ये मोहम्मद की जो सेना है, ये काली फौज वाले हैं, ये उस नीतियों पे अपनी नीतियां बना के चल रहे हैं। और हमारी नीतियां जिन्होंने बनानी थी, हमारी नीतियां बनाने वाले ये तो थे जिनका मतलब कनेक्टिविटी इतनी थी, मतलब पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी थी, जिसको आज हम लोग RSS के नाम से जानते हैं या BHP के नाम से जानते हैं। आज वो फेल हो चुका है। तो उन सब के फेलियर के कारण आज हमारी ये स्थिति ये है कि भारत में अब कुछ भी बचने वाला नहीं है।
अब हमको मात्र ये तय करना है कि हमारी मौत कैसी हो, हमारी मौत दंगाइयों में कुत्ते बिल्ली की तरह हो, कीड़े मकोड़ों की तरह हो, जब का इतिहास अगर कोई कोई हमारा बच गया तो बाद में जो इतिहास कैसे लोग धर्म युद्ध के लिए लड़ते हुए मारे गए, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, जैसे महाराणा प्रताप जी, जैसे कई हमारे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने जिनके आज नाम लिए जाते हैं कि उन्होंने के लिए बलिदान दिया। और उसी कालखंड में जो गद्दार कौम थी, गद्दार लोग थे, उनका नाम आज गद्दारों में आता है। और उसी अभी 1947 में जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम हम लोग आज भी बड़े शान से और स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। गांधी का और नेहरू का नाम काले अक्षरों में आता है। उनका जो अभी 100 साल के बाद उनका 78 साल के बाद उनका एनालिसिस हो रहा है, वो उसमें आ रहा है कि वो गद्दार थे, उन्होंने ये गंदगी यहाँ पे रखी, उस गंदगी का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं या हमारे आने वाले बच्चे। तो इसमें 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 जो फेलियर, इसमें जो आप फेलियर पूछ रहे हैं, इसमें फेलियर, इसमें फेलियर है हमारा, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से ये समझ ही नहीं सके कि भाईचारे में केवल वो भाई हैं और हम लोग चारा हैं। हम लोगों की जो नीतियां, हमारे जो धर्माचार्य वो फेलियर हैं, हमारे जो संगठन है वो फेलियर हैं, क्योंकि उनकी नीतियां पूरी थी। अगर उनकी उनको इंटेलिजेंस नहीं होता, उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये पे पुलिस नहीं लगाते। और उन्होंने ये ट्रायल किया है, ये आने वाले समय, आगे वाले समय के लिए ये ट्रायल किया कि आज हम ये करेंगे। जैसे सीए के लिए किया, वो छोटा ट्रायल था, अब और बड़ा किया, अब और बड़ा, ऐसे करते करते आखिर में ये इतना बड़ा करेंगे कि एक बार में ही या तो हमको मरना पड़ेगा, या हमें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या फिर हमें यहां से भागना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। एब्सोल्युटली स्वामी जी, एक मिनट मैं प्रीति जी के पास जाता हूँ, आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। प्रीति जी, यू नो नुपुर शर्मा जैसा एक वीरांगनी जो अब महादेव के लिए लड़ती है, उसके लिए लड़ने के लिए अपने युद्ध के पास समय नहीं है, वो तो पूरा लेट गए दंडवत प्रणाम करके। ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, आप क्या ऐसा देखते हैं? हर हर महादेव। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखो, एक कोई संगठन चलाना, हिंदू संगठन या किसी उस तरह का संगठन चलाना और उसकी लीडरशिप होके कुछ बोलना एक बात होती है, और गवर्नमेंट चलाना वो बहुत दूसरी बात होती है। आप इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते। एक संगठन के नेता के तौर पे आप कुछ भी बयानबाजी कर सकते हो, कुछ भी अपनी गवर्नमेंट की फेलियर कह सकते हो, मोदी शाह की फेलियर कह सकते हो, ये सब कुछ कह सकते हो, लेकिन एक गवर्नमेंट का देखना बहुत बड़ा उसका जो कहते हैं ना पेरिफेर है, तो उन चीजों को आप इतना छोटा ना समझो। और मैं ये बात बताऊं कि जिन लोगों को मोदी और शाह आज गलत लग रहे हैं, वो जरा देख ले कि 8 साल पहले क्या आपकी कोई हैसियत थी एक हिंदू की जो भारत में हिंदुइज्म के लिए बोल सकता था? भारत में आप जिस तरह से आज नुपुर शर्मा बोल सकी है, कभी भी कोई बोल सकता था? किसी की ताकत नहीं थी। प्रीति जी, लेट मी क्रॉस डू थिंग फॉर यू, ओके? अपने भाई तड़प रहे थे हेल्प के लिए, भाई बहन बंगाल में, ये सब छोड़ के बंगाल के इलेक्शन के बाद दुम दुमा के आके दिल्ली में बैठ गए, और नुपुर शर्मा जैसा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, नवीन जिंदल जैसा बीजेपी का लीडर है, अगर उनको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा तो हमारा जैसा साधारण लोगों का क्या हाल है? ये फेलियर नहीं तो क्या है? नहीं, बिल्कुल भी फेलियर नहीं है। और ये देखो एक बात है, एक पैन इंडिया करके एक मुहिम चल रही है, उसके तहत ये सारे प्रयोग पिछले 8 सालों से हो रहे हैं, और ये सारे प्रयोग हो रहे हैं जिससे 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में न बने। और इसके लिए आप क्या मानते हो ये सिर्फ भारत वाले लोग यहाँ इन्वॉल्व है? पूरे विश्व के जो देश भारत के मित्र नहीं है, और वो सभी देश, अमेरिका आ गया, पूरा यूरोप आ गया, और पूरे 56 जो कंट्री है वो भी आ गए, सभी लोग इसमें नहीं। एक बात मेरी खत्म होने दे प्लीज, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यही तो चाहते हैं कि हिंदू अंदर अंदर लड़ मरे। और हिंदुओं का तो बहुत पुराना
सदियों पुराना इतिहास है कि हम लोगों ने अंदर अंदर ही लड़ाई की है। अगर एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को सपोर्ट किया होता तो आपको लगता है कि 1200 साल पहले ये लोग जो आए थे ये अरब देशों से या गजनी वगैरह, इनकी कोई हैसियत होती कि भारत के ऊपर कोई राज कर सके? नहीं, भारत के ऊपर राज ही किया तब तो सच्चे चाणक्य थे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हिंदुओं की यही तो खासियत है, हमारी सबसे बड़ी खासियत। क्या क्या स्वामी जी, आप क्या बोलते हैं? हिंदू एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हमें अपने लीडरों की, देखो एक बात मैं बता दूं, आप, मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि बहुत सारी चीजें हो गई। आप मुझे ये बताओ, कभी आपने सोचा था कि ओवैसी के ऊपर FIR हो जाएगी और सबा नकवी के ऊपर FIR हो जाएगी? इन लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है। और एक दूसरी बात मैं बताऊं, प्लीज। अच्छा सवाल है, लेट स्वामी जी आंसर इट टू यू। ओके, डिड यू एवर सी स्वामी जी ओवैसी का ऊपर FIR हो गया? ये लोगों, ये तो बड़ी काम है, ये तो फिर कैसा आप बोल सकते हैं, आप मोदी शाह को ऐसा नाम कैसा बोल सकते हैं? मैं सबसे पहले, जो हमारी बहन बैठी हुई है, मैं सर को वो उस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये बोल के, ये जो पिछले 7-8 साल से हम लोग बोल रहे हैं, उससे पहले हम लोग कहाँ थे और उससे पहले हमने क्या बोला और क्या किया? तो बहन जी, मैं आपको शायद आपने पूछा हो उससे पहले, लेकिन सोनिया को खत्म करने के लिए हमारे दादा गुरु BL शर्मा प्रेम जी और हमारे जो आध्यात्मिक, जो तांत्रिक हमारे दादा गुरु है श्री ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज और हमारे जो गुरु महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी महाराज, उनको भगाने के लिए अपना खून बहाया। अब एक सेकंड, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिए। सुनिए पहले आपके गुरुओं के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा एक जनरल था भारत में ये चीज, क्योंकि आप देखो ना, करपात्री महाराज हत्या के लिए दिल्ली में संतों ने अपना एक इसकी थी, तब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, गोलियां चलवाई थी और कितने साधु मर गए थे, तब करमात्री महाराज ने क्या कहा था? मैं ये कह रही थी कि इन चीजों को आप अपने पर्सनल उस पर न लें। महाराज जी, मैं आपकी या आपके गुरुओं की कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि पहले जब अगर कोई बोलता तो इस तरह से गोलियां चलती थी। 1984 में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब सिखों का क्या हाल किया इन लोगों ने? पर्सनल नहीं, लेट हिम रिस्पॉन्ड। जी 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 जी, मैं उसी उसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मतलब हमारी बहन बोल रही है कि इंदिरा गांधी ने अखिलेश ने भी, स्वामी जी आप क्या बात करते हैं, मोदी जी तो गोली अपने ऊपर नहीं चलाते हैं, उनको कैसा आप गाली दे सकते हैं, नाम बोल सकते हैं? इसीलिए हम अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेके आए थे, नरेंद्र भाई मोदी को, और इसको इनको लाने वाले हम लोग हैं, ठीक है। लेकिन एक जो ये डायलॉग थे आपके लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये एक जो डायलॉग पकड़ लिया है कि 8 साल पहले आप कहाँ थे, मैं उसका जवाब दे रहा था। दूसरी बात, पिछले 8 सालों में या 9 सालों में उनसे बड़े हिंदुत्ववादी हम किसी को नहीं मानते, और सेकंडली हमने ये कहा कि अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कौन कर पाएगा, फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। हमारी जितनी भी धर्म संसद होती थी, मतलब अब क्या, अब अपनी बहन को हम क्या बताएं कि हम पे क्या क्या बीती है। जी, तो मैं अपनी बहन को यही बताना चाहता हूं कि अगर पिछले 8 सालों में कुछ नहीं हुआ हमारे लिए तो हमें बात तो करनी पड़ेगी। आज आप मतलब आज तक हम यही डायलॉग सुनते आए हैं कि 370 हट गई, ट्रिपल तलाक हट गया, राम मंदिर बन गया। आपको आपको शायद पता ना होगा कि जब राम मंदिर के लिए नींव रखी जा रही थी तो वहां पे जो उसके जो अध्यक्ष है राम मंदिर, उन्होंने मुसलमानों को नींव में पत्थर मिट्टी डालने के लिए बुला लिया था, और एक एक उनके राम जी के वहां से वो मिट्टी लेकर आ रहा था, तो उसको रोकने वाले हम लोग हैं। मतलब हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी, जब उनके कार्यकर्ता कश्मीर में मुस्लिम मरते हैं, 3 कार्यकर्ता मुसलमान मारे गए, तब तो वो आंसू बहा देते हैं। जब इतने लोग चंदा मांगते हुए मारे गए, उनके इतने कार्यकर्ता, इतने संघ के लोग मारे जा रहे हैं, तब तो उनके एक भी आवाज नहीं आती। लेकिन एक गौ रक्षक मारा जाता है तो सारे गौ रक्षक गुंडे हो जाते हैं। हमारी हमारे वो हमारे हैं, उनको बनाने वाले हम हैं। तो हम सवाल राहुल गांधी से करें या हम सवाल किसी और से करें? हम
हम सवाल तो अपने से करेंगे क्या विनय जी, आप क्या बोलते हैं? अपना मंदिर अभी भी गुलाम है, मंदिर को छोड़ने वाला नहीं है, अपने लिए कुछ भी काम नहीं हुआ, 370 हुआ मगर उधर फिर भी मार मारा, पंडित रह नहीं पा रहे, बोलते हैं स्वामी जी कुछ भी नहीं हुआ 8 साल में, क्या करें फिर? और ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो क्या है? फ्राइडे का दिन पूरा भारत में हंगामा होता है। मैं माफी के साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, माफी के साथ, क्योंकि मैं मेरा समय नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन पहले वहां से सारे कश्मीरी पंडित निकाल दिए गए, कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित जो जॉब करते थे वो निकाल दिए गए, वो निकाल के सुरक्षित स्थानों पे स्थगित कर दिए गए, मतलब कश्मीर से जितने भी हिंदू हैं वो सारे निकाल दिए गए। तो अब हम किसका फेलियर मानेंगे? बस इतना ही मेरा। हम 370 बोलते रहते हैं, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू से विनय जी? नमस्ते जी। माय पर्सनल ओपिनियन इज यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड एंड आई काइंड ऑफ एग्री with both the Swamiji and Preeti ji as well, kind of in certain ways. But rightfully enough, what Preeti ji said was, in the last 8 years, we have seen what we had never seen in the last 70 years of independence. Bilkul, you are very right. Before this 8 years, we never saw the spokesperson of a ruling party going and hiding in the rat hole. Absolutely. You know, this is what we've always been talking about. Hindu jag raha hai, and we keep talking about it because you know what, the Modi government, the BJP government, in the last 8 years has given some kind of a kind of a latitude for the Hindu community to kind of come out in the open and say stuff, and this has actually jolted a lot of the political parties. I mean, behind every single protest, every single violence, every single extremism and whatever, there are political parties involved, and this the Modi government has to understand. They are kind of putting a kind of a folder, a blind eye on their eyes, and kind of turning their eyes away and saying, oh no, this is happening, but we can't do much or whatever, right? And they're trying it at they're not doing it at the grassroots level. The grassroots level is, you got to find out who is behind all of this. There are forces that are, you know, that are determined to make sure that Modi government, BJP government, does not come back to power in 2024. And they're doing everything possible. But despite all of this, despite the farmer protest, despite the 370, despite the CAA protest, despite the farmer protest, despite every single thing, even in the Kashmir, what is happening, and the latest Nupur Sharma, the funny thing is, the irony is, the majority of the people are still in love with Modi government. The popularity of Modi government is still rising. It is not in decline in any which way. And this is actually, the Modi government should not actually take it to their head and say, oh, you know, we are popular despite all of this. Because this popularity, if they do not do something right now, this is going to go away. You know, that's what I'm trying to say. Patil ji, quickly before I come for the final round, right? Patil ji, Article 370 failure, CAA failure, farmer, whatever the farmer law brought in by BJP government failure, Abhi's spokesperson failure. How do you see this? And Friday, see, this is something astonishing to me. Friday, the entire India was blocked and attacked. Entire India. And our government had no clue that this is going to happen. हर हर महादेव। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हम क्या चाहते हैं, अभी जिस हिसाब से जो चीजें चल रही हैं, हम चाहते हैं कि भाई मीटर गेज के ऊपर बुलेट ट्रेन चलाया जाए, यही चाहते हैं ना हम लोग। 400-500 साल लगा एक अयोध्या का मामला सलेक्ट करने में, अब हम हर चीज का सोल्यूशन अगला दिन सुबह
24 घंटे के अंदर चाहते हैं, ये 70 साल की गंदगी नहीं है। 70 साल तो आजादी की बात की बात है, लेकिन आप देखिए 14 साल 1000 साल पहले से ये चलता आ रहा है। जैसे बहन जी प्रीति जी ने कहा और महाराज जी ने कहा, ये सब सभी ये मानते हैं कि भाई हम सरकार के साथ है, सरकार हमारे साथ है, लेकिन हर किसी को सोल्यूशन ऐसे चाहिए बुलेट ट्रेन की स्पीड पे, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसको चलते बुलेट ट्रेन को चलते क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या क्या हमको करनी चाहिए, वो कोई सहयोग नहीं करना चाहते सरकार के साथ। तो ऐसे स्थिति में सरकार भी अपने हाथ बांधे हुए बैठी हुई है, और हम लोग कितने इकट्ठा होते जाए, जितने भी आप कह रहे थे पूरा ऑल इंडिया में 20-31 शहर में एक साथ दंगे चालू होने चल गए। अब जब तक इतना बड़ी भारी संख्या से अगर दंगा नहीं होती, हिंदू आप में आप एक साथ नहीं आ सकते, जुड़ नहीं सकते। नहीं, मैं मानता हूं आपका बात, मगर गवर्नमेंट का स्थिति क्या है, उनका तो पता ही नहीं था ये होने वाला है। अब गवर्नमेंट देखिए 10-12 दिन, जबकि नूपुर शर्मा जी का ये जो एपिसोड हुआ है मेरे ख्याल से 26 तारीख को हुआ, मैं लेकिन बीजेपी पार्टी ने और गवर्नमेंट ने कुल मिला करके 10 जून को ये कार्रवाई करी, उसको सस्पेंड किया जाए जो भी है, तो 10-12 दिन वो क्या चुप बैठे थे? नहीं, वो भी सोच रहे थे कि क्या करने से क्या हो सकता है। और ये जो 56 कंट्री की जो थ्रेट आई है, जो भी इंटरनेशनल लेवल को लेकर के जो टूल किट बन करके घूम रही है, ये सब रातों रात नहीं हुआ। जैसे प्रीति जी बहन जी ने बोला, ये पिछले 8 साल से चलता आ रहा है। अगला 10 दिन के लिए, अगला 10 महीने के लिए, 24 तक महावार 24 तक होने तक क्या क्या टूल किट होने चाहिए, उसका पूरा लिस्ट बन चुकी है। अभी कैम्ब्रिज में जो बात हुई थी, जो हमारे पप्पू साहब ने कहा कि केरोसिन छिड़काया गया है, इसके लिए काफी एक स्पार्क चाहिए, ये पूरा टूल किट का मामला है। वो इशारा कर, और 23 के ईडी ने उनको बुलावा कर रखी है माँ बेटे को, तो वो एक तरह अब सोचिए कि भाई हमको अगर आप नोटिस भेजोगे हम पूरा आग लगा। तो आप इसका जिम्मेदार राहुल गांधी और उसका माँ को देते हैं, मगर मोदी शाह को नहीं देते हैं, ये सही है क्या? नहीं, ये सही है क्या? So you give the whole collapse of the Friday, you give the responsibility to Rahul Gandhi and Modi, Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, and not to Modi Shah. Is that right? The entire ecosystem of mother and son and the opposition parties hand in glove. Yes, quickly, ab boliye fir main Swami ji ke paas jaunga. Vinay ji, please, quickly. Yeah, I just definitely and definitely. In collusion of the Congress Party, because they're afraid of the this whole National Herald scam, and they're also afraid of the 2024 elections, because they're raiding their thing in the government, and you saw what happened in the latest Rajya Sabha elections as well. It is falling. So Congress is in collusion with several parties, because he wants to become the new alternative to Congress and BJP. And then you have all the Trinamool Congress, Samajwadi Party, DMK, National Conference, blah, blah, blah. All these little parties, every leader of that party wants to become the prime minister, and they somehow wants to pull the Modi government down. So they, in their own state... Let's come to the point. You also think the whole Nupur Sharma gate, jo hua hai, just for defending the one who was abusing Mahadev, to talk back to them and quoting from Quran what is was there inside and getting fired, and because of which all the danga jo hua, you know, pura Bharat mein iska failure this cannot happen without the support of these major political parties. Okay, let's go to Swami Ji. Swami Ji, quickly in a minute or two, आप बोलिएगा क्या जवाब देंगे? ये तो बोलते हैं मोदी शाह तो अच्छे हैं, मगर माँ बेटे के वजह से हो रहा है ये सब। चलो दिलीपन जी, एक्चुअल हम लोग इसी चर्चा में अगर उलझे रहेंगे तो जिस विषय के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं वो विषय कहीं ना कहीं छूट रहा है हमारा। हमारा जो विषय है ये है कि एक हमारी बहन नूपुर शर्मा और एक जो के एक टीवी पे बहुत बड़ा एड चल रहा है कि मोदी परिवार एंड वो ऑलरेडी मोदी परिवार का एक हिस्सा है,
और एक हमारे और भाई हैं साथ में जिन्होंने उनका समर्थन किया था, ऐसे करके एक हमारे गुरुजी और हमारी एक बहन है महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी, उन्होंने जैसे ही कानपुर में दंगा हुआ उसके बाद एक एप्लीकेशन दायर करी, वहां पे रिट दायर करी कि जितने भी मस्जिदें हैं उनमें भीड़ कम की जाए, नमाज के नमाज जो फ्राइडे की नमाज है वो केवल मस्जिद के अंदर की जाए और बाहर ना की जाए, तो उसके ऊपर उनके ऊपर भी फतवे जारी हो गए और मोदी सरकार ने ही उनके ऊपर फतवे क्या नोटिस दे दिए। और हमारे गुरुजी ने ये कहा कि मैं 17 तारीख को उनके धर्म की किताबें लेके जामा मस्जिद जाऊंगा, उनके धर्म गुरुओं को बोला कि मैं आपके पास आऊंगा आपकी धर्म की किताबें लेके, अगर उसमें जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं सही है आप हमें बताओ, उसके लिए 10 लाख का जुर्माना, मतलब आज ही नोटिस आया, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मतलब ये सरकारें किसकी हैं, ये प्रशासन सत्ता किसका है, केवल ये बोला कि मैं जाऊंगा अपनी किताबें ले, तुम्हारी किताबें लेके, अपनी नहीं तुम्हारी धर्म की किताबें लेके, अलग अलग तुम्हारे जो राइटर्स हैं या तुम्हारे मौलवी हैं या तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारे एक्टिविस्ट हैं मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं उनकी सीडियां लेके जाऊंगा जो वो बोल रहे हैं, तो वही हमारी बहन नूपुर शर्मा ने बोला। लेकिन वो भी छोड़ो, उसने गलत बोला सही बोला, हमारे परिवार का अगर हिस्सा है वो, तो अगर हम अपने परिवार के किसी भी औरत को अगर हम ऐसे छोड़ रहे हैं तो हम कहां के हम लोग राष्ट्रवादी और कहां के हम लोग सनातनी और कहां के हम लोग राम के भक्त और कहां पे हम कृष्ण के भक्त। लेकिन एक बात, जहां पे जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, हमारे एक्टिविस्ट जहां पे बैठे हुए हैं, उनको मैं एक मैथमेटिक्स के हिसाब से बता देता हूं। देखिए मोदी गवर्नमेंट आएगी किससे, वोटों से आएगी ना, और अब जो मैथमेटिक्स है 10 से 12 साल के बच्चे जो वो मुसलमानों के 60% है, वो 6 साल में 2029 से पहले वो वोटर बनेंगे, तो 24 में आप कैसे भी करके मोदी जी आएंगे, कैसे भी करके वही आएंगे, कोई और नहीं आएगा, लेकिन 2029 में क्या आप बोल रहे हैं कि उसके ऊपर पूरी निगाह होती है, पूरे वर्ल्ड की निगाह होती है और इतनी कंट्रियां उनके पीछे लगी हुई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे ही वहां पे एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बैठ जाएगा उसके बाद आप लोग देखोगे कि वो अपने धर्म के लिए क्या कर रहा है। हमारे यहाँ मोदी जी से केवल एक ही वो था, हमने एक ही निवेदन रखा था, हमने कुछ नहीं मांगा उनसे, हमने बोला कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून चीन की तरह बनाओ, और ये वादा बड़े जो आपके बीजेपी के बड़े नेता है ना मोदी और इनके शाह के नीचे उनके जो थर्ड नंबर पे हैं, उन्होंने हमारे साथ किया था, मोहन भागवत ने हमारे साथ किया था कि आप मोदी जी को लाओ, हम लोग सबसे पहला कार्य करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। हमें पता है हमारे गुरुजी उसके अमेरिका के मैथमेटिक्स के टॉप पर हैं, तो उनको पता है कि मैथमेटिक्स से किस हिसाब से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, लेकिन उनकी बात ना मान के उसने बड़े आंदोलन करने के बाद भी आज तक हमारी ये बात नहीं मानेंगे कि तुम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, और हमें ये बयान मिल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 2029 में वहां पे एक मुसलमान प्रधानमंत्री बनने वाला है, उसके बाद आप सब लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जो कह रहे थे, हम लोग जो विरोध कर रहे थे, विरोध भी नहीं है हमारा, हमारी शिकायत है किससे, अपने प्रधानमंत्री से, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया, हमने राहुल को थोड़ा बनाया, हमने सोनिया को नहीं बनाया, हम उनको क्यों कोसे, वो तो जीरो हो गए हैं, वो कांग्रेस इस समय जीरो है, लेकिन हम उनका नाम लेके नहीं चबर सकते ना, 7 राज्यों में नहीं 4 देशों में ये आंदोलन हुआ है इस फ्राइडे में, 4 देशों में, यहाँ नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और भारत में, ये देखो ना कितना बड़ा वो है एजेंडा, कितना बड़ा है, और हम लोग क्या है, वही तो बात है, इनको कुछ भी नहीं मालूम, और मीडिया तक नहीं दिखा रहा है, पाकिस्तान का केवल छोटी सी न्यूज दिखा रहा है, वहां पे कितने मंदिर तोड़ दिए ये नहीं दिखा रहा है, बांग्लादेश में कितने मंदिर तोड़ दिए ये नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कितने हमारे ADC कितनों का सर फोड़ दिया ये नहीं दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो फेलियर, इसको फेलियर बोल सकते हैं, हम तो भाई इसको फेलियर बोलेंगे, आप लोग इसको कुछ भी बोलो। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आप मोदी जी को ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार मोदी शाह की गवर्नमेंट को मान रहे हो, मुझे ये बताओ कि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है मोदी जी के अलावा, कोई और है जो आपका काम कर सके? नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो ना 2029 में ये इन लोगों का आ जाएगा, हाँ तो आएगा ना, क्योंकि हम हिंदू तो अंदर अंदर लड़ रहे हैं,
हम हिंदू खुद ही हरा देंगे हमारी हिंदू गवर्नमेंट को। हमें देखो मुसलमान, एक बात समझ लो, मुसलमान जब ये जब हुआ एक मुसलमान एक जमाना था अडवाणी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं थे। नहीं अडवाणी की बात जाने दे, अभी जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको पूरा मुझे करने दे, क्योंकि ये हर वक्त ये बात मेरी अधूरी रहती है जिससे पॉइंट सही मायनों में जो मुझे कहना है वो नहीं कह पा रही हूँ मैं, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा वक्त दें। मैं ये कहूंगी कि आपके पास, आप देखो हिंदू, हम संगठन हिंदू जो भी है जितने भी हैं, अगर हम अपने ही जो हमने चुनाव लड़के भेजा है और आपको विश्वास था, आपने मोदी को क्यों चुना है 2008 में, क्यों चुना मोदी को, क्योंकि आपको विश्वास था कि ये बंदा कुछ कर सकता है इसलिए आपने भेजा, तो अब आप क्यों विश्वास नहीं रखते कि वो कुछ करेगा। और एक बात मैं बता दूं कि ये पॉलिटिक्स है, आप जो कर रहे हो ना संगठन है और ये पॉलिटिक्स है, बहुत अलग बातें हैं। पॉलिटिक्स में हर वो बात नहीं बोली जाती जो वो कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो हर वो बात बोल दे कि वो जो कर रहे हैं, नहीं एक मिनट, तो फिर क्या होगा है, तो कोई पॉलिटिक्स रहा ही नहीं, क्योंकि फिर वो तो अपने सारे पत्ते खोल देते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक समझ लो आप, एक ईश निंदा कानून बनने जा रहा है, और ईश निंदा कानून बनने के लिए उनको जो बैकग्राउंड चाहिए, वो बैकग्राउंड आज इन लोगों ने, ये जो हो रहा है ना पूरे देश में दंगे, उन्होंने सामने से उनको ये दे दिया है वो पॉइंट, जिससे कि ईश निंदा कानून बनेगा। पहले मुसलमानों का आप अगर कुछ भी बोल दो तो आपके ऊपर केस होते थे, FIR होती थी और बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते थे। आपके हिंदुओं के ऊपर कितना हुआ, हिंदुओं के ऊपर कितने लोगों ने, वो मकबूल फिदा था, उसने कितने गंदे गंदे चित्र बनाए हमारे देवी देवताओं के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं होता था। ये मोदी गवर्नमेंट ये लाएगी ईश निंदा कानून, और उसमें न सिर्फ मुसलमान लेकिन हिंदुओं के भगवान या देवी देवता के ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकेगा, इस तरह का कानून आएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखें और अपने अपने ये जो मोदी जी हैं उनका साथ न छोड़े, क्योंकि ये अगर छोड़ते हो हिंदू लोग तो समझ लेना ये आत्मघात होगा। पाटिल जी 30 सेकंड में बोल दीजिए, स्वामी जी लास्ट में जवाब दे देंगे, 30 सेकंड के ऊपर मत जाइए। देखिए डॉक्टर साहब, अगर इलाज का बता दिया आपको, अब लेकिन आप अगर उसका दवाई नहीं ले रहे हो टाइम टू टाइम, फिर गलती किसकी रह गई। हर चीज वो करे ये करे, वो क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, ऐसे पूछने के बजाय। अरे फ्राइडे का दोपहर में जो दंगा हुआ, किसका जिम्मेदारी था वो थोड़ी स्वामी जी और अपना जिम्मेदारी। ये पहली बार नहीं हुआ है, आखिरी बार में नहीं होगा, ये अभी होते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। वहां नहीं जाएंगे, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं एक बात और बता के खत्म करना चाहता हूँ, हम भी अपने हाथ पे कुछ रखे बैठे हैं थाली पे, क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, हम कैसे करके मोदी जी का, योगी जी का, अगर योगी भी आ जाए वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो कह रहे हैं ना योगी जी को लाओ, योगी जी को लाओ, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे प्रीति जी ने कहा, वो स्टेट चलाना अलग बात है और देश चलाना अलग बात है, और राष्ट्र बनाना सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, इफ वी कैन इंस्पायर 10 people 20 people। अभी देखिए सीधी सी बात है, मैं ये चीजें ट्विटर पे भी मैंने शेयर करी है, एवरीबॉडी हैज अप्रिशिएटेड दिस। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पीपल डोंट वोट हिंदूस। मेरे फैमिली में 50% लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, दे नेवर वोटेड इन देयर लाइफ। 50 साल के लोग हैं, आज तक कभी वोट नहीं किए, क्योंकि उनका यार नौकरी के सवाल है। अच्छा दूसरी बात, बड़े बड़े CEOs हैं, जजेस हैं, व्हाइट कलर, इवन आई वाज इन बिग कंपनी, आई नेवर वोटेड, आई स्टार्टेड वोटिंग ओनली फ्रॉम द ईयर ऑफ 2014। तब से मैंने वोट ही नहीं किया था, मेरे पास वोटर आई डी कार्ड था भी नहीं, मैंने बनवाई उसके बाद। मेरे सारे जितने भी फैमिली मेंबर सबको इंकरेज किया, वोट किया, सब किया। क्या हम कुछ कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। कैन वी इंस्पायर पीपल टू वोट? 80% हिंदू मेजोरिटी है, अरे छोड़ो 29 की बात, अभी 24 में आप मेक श्योर कर लो एटलीस्ट 85% वोटिंग परसेंटेज आ जाए। जो बाहर चले गए, जो नहीं कर सकते, एनीथिंग क्विकली टू स्वामी जी, ही विल वाइंड अप, ही इज गोइंग टू हैव द लास्ट वर्ड। 30 सेकंड्स, ज्यादा मत जाइए विनय। सो ऑल आई एम सेइंग इज, you know, Modi government is been doing a great job in the last 8 years, and they'll continue to do it. This law and order situation is only to create that tension across India
This has been going on. Many protests that have happened in the last 2 years, because they never expected, they meaning the opposition parties, never expected that BJP is going to come back 3 years ago. So now 2 years away from elections, and they have to somehow destabilize the government and the country. So they're creating all of this. But Modi government, you know, they're way ahead of this. They're way ahead of this. Their intelligence is way ahead of this. Yes, certain things happened. Friday prayers were, you know, caused a lot of animosity and all of that. But the things that Modi government is already taking steps against, the PFI, the Khalistans, and all that is happening soon. And, very and nice. This is very what nice. Let's go to Swami. We Swami, are you are getting the last very word. Seeing okay. Very ये बोलिए सब इधर बोलते हैं मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक होता है मगर आपको आप परिचानते नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो फेल हो जाए. मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हम हमारे जो आंकड़े हैं वो फेल हो जाए. किसी भी तरह से हमारे जो सनातनी बचे, हमारा जो देश बचे और हम लोग बचे. लेकिन यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, हो सकता है हम एक दूसरे को तो जानते नहीं है, ना ये हमें जानते हैं ना ही हम इनको जानते हैं. लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन पे. हमें पता है हमारे साथ क्या हो रहा है. और हमें आप लोग केवल एक्टिविस्ट हो सकते हैं या वहां पे बैठ के मतलब लोगों के देख के या न्यूज सुन के या एक्टिव अपनी कोई एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन जब आप जमीन पे करोगे, जैसे हमारे सरदार जी ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, सरकारें जो कर रही है लेट देम डू, हमें उनमें इंटरफेयर नहीं करना है. लेकिन हम लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं हमें ये तय करना है. क्योंकि अगर हमारे बच्चे नहीं बचे और हमारा धर्म नहीं बचा तो फिर बचेगा क्या? इट्स अ गुड क्वेश्चन. बाकी मोदी जी और योगी जी और अमित शाह और व्हाटएवर, देखिए जब 1947 में यहाँ पे गांधी और वो थे, क्या नाम उसका, नेहरू थे, हिंदुओं के पास विकल्प तब भी नहीं था. तब भी वो यही बोलते थे, जब वीर सावरकर और उनको समझाते थे, लाला लाजपत राय उनको समझाते थे, तो बोलते हमारे पास विकल्प क्या है. जब इंदिरा गांधी आई तब भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था. जब राजीव गांधी आया तब वो महान था. और जब अब उससे पहले अभी सरदार जी आए तब वो भी महान थे. मतलब हमारी जो मेंटेलिटी, हमारे डीएनए में जो ये गुलामी बस गई है ना, कि हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते. वी ऑलवेज डिपेंड, हम हर वक्त किसी और पे डिपेंड रहना चाहते हैं. देखिए बच्चे हमारे हैं, धर्म हमारा है, तो इसके लिए कोशिश भी हमें करनी पड़ेगी, इसके लिए लड़ना भी हमें पड़ेगा. बस यही है. और खतरे को पहचानो. खतरा और कुछ नहीं है. खतरा ना सोनिया गांधी है, ना कांग्रेस है, ना अदर पार्टीज है. खतरा है इस्लामिक जिहाद. खतरा केवल इस्लामिक जिहाद है. बस इतना मैं कहना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच. अब अपना बेटी नुपुर शर्मा जो है उसका जिंदगी का खतरा है, हैं? लोग किधर भी मारने के लिए तैयार हैं. और नवीन जिंदल जी अपने भाई हैं, उसका भी वही है कि दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा. अभी इनके लिए हमारा जो हिंदू संगठन है ये क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट तो छोड़ दिया उनको. दे हैव बीन थ्रोन टू द वॉल्स एज द सेइंग गोस. एक बात मैं बताऊं, आप लोग है ना वही देख रहे हो जो आपको दिखाया जा रहा है. वन सेकंड, आपके पास में आप प्रीति जी एक मिनट बोलिए. इसका क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए एक बात है, उनके लिए अगर आपको सही मायनों में कुछ करना है तो पहले तो एक दूसरे की बातों को काटना बंद करें. हिंदू एक यूनाइटेड होके रहे. हिंदू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम एक दूसरे की बातों को काटते हैं. क्यों हम मोदी जी को गलत साबित करने के ऊपर तुले हुए हैं? अरे यार तुम जो मोदी जी, एक बात मैं बताऊं आपको, मैं गुजरात की एक बात बताऊं जो शायद आप लोग भूल चुके हो लेकिन मुझे याद है.
गुजरात में जब ये 2002 के दंगे हुए थे और उसके बाद ये अमित शाह जी को तड़ीपार किया था गुजरात स्टेट से, और उस वक्त मिस्टर वंजारा करके जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको 10-10 12-12 सालों तक जेल में रखा हुआ था, आपको क्या लगता है? सबको ये लगता था कि बीजेपी ने उनको छोड़ दिया, बीजेपी ने छोड़ा नहीं था उस वक्त भी उनको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो जो दिख रहा है ना वो है नहीं, आपको लगता है कि छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ा है, उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम है पीछे से, और बीजेपी गवर्नमेंट उनकी पूरी सुरक्षा की सारी सारी जो चीजें कर ही रही है और ऑलरेडी हो चुका है, वरना आपको क्या लगता है आज तक वो जिंदा भी नहीं होते अगर बीजेपी ने सपोर्ट किया होता तो? स्वामी ये व्हाट वी कैन डू फॉर नूपुर शर्मा एंड नवीन जिंदल हु आर ऑलमोस्ट दे कैन बी किल्ड एट एनी टाइम, दे विल नॉट बी, प्लीज। एक तो ये बोलना ही बंद करना चाहिए हमें, क्यों ये बोलना है हमें, ये एक नेगेटिविटी है जो हम फैलाना चाहते हैं, यू नो हाउ वी कैन सेव देम प्रोटेक्ट देम, यू नो आप क्या हिंदू संगठनों क्या करना चाहते हैं? देखिए पहली बात तो मैं, हम लोग तो इसी हिंदू संगठन से नहीं है, ये एक बात क्लियर कर दे, हम लोग एक संत है जो अपनी लड़ाई, जो अपने धर्म की लड़ाई, अपने सनातनी की लड़ाई धरातल पर लड़ रहे हैं, और जो नूपुर शर्मा के बारे में आप बोल रहे हैं, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को दोष देने से, जैसे हमारी बहन बोल रही है, एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सच है वो सत्य है कि अभी तक जो हमारी बहन है उसको इतनी सिक्योरिटी कुछ नहीं मिली है, एक दो गार्ड मिले हैं कुछ नहीं है, लेकिन जो 2+ सिक्योरिटी उसको मिलनी चाहिए, सुनिए नहीं मिली है, हमारा संपर्क है उसके साथ, हम ब्लफ नहीं मार रहे हैं, हमारा उसके साथ संपर्क है, ठीक है? तो मतलब अब आप बोल रहे हैं कि ओबीसी पे एफआईआर हो गई है, आपको ये नहीं पता होगा कि ओबीसी के साथ साथ उसी एफआईआर में हमारे गुरुजी का नाम भी है, उसी हमारी बहन अन्नपूर्णा महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती का नाम भी है, उसी एफआईआर में कई हिंदुओं का नाम है, मुसलमान तो कुछ चंद है, चंद मुसलमान है उसमें, उसको एफआईआर का जो लिस्ट तो देखो उसमें नाम किस किस का है, लेकिन हमें तो केवल ओवैसी दिखता है, उस ओवैसी को गोली मारी दो बच्चों ने नीचे जमीन पे, उसको बाय जेड सिक्योरिटी प्लस दे दी, हमारे गुरु जी को हमारे मंदिर पे जितने भी आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए उन्होंने ये बोला कि हम नरसिंहानंद को मारने गए हैं, हमारे एक संत का पेट काट दिया, अब तक कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, केवल दो गार्ड दिए, दो गनर, तो क्या हमारी जान, हमारी जिंदगी, हमारी जान नहीं है क्या? हम लोग अपनी सरकारों से ये भी नहीं कर सकते, और इतने थ्रेड सबको पता है, इतने थ्रेड आ रहे हैं, इतने आतंकवादी हमले हो चुके हैं हमारे मंदिर पे, और वो चारों तरफ 95% मुसलमान है और केवल 5% हम हैं, हम लोग वहां पे डट के लड़ रहे हैं, तो हमें अगर कोई ये बताए कि नहीं मोदी का विरोध ना करो, मोदी का हम विरोध तो है नहीं है, क्योंकि हम ही उसको लाए हैं, हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम जब हमें धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, हम केवल सवाल कर रहे हैं, हमें 8 साल में हिंदुओं के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं, हाँ हिंदू खत्म बहुत कर दिए वो हमें दिख रहा है, वो उसकी कभी फिर चर्चा करेंगे, हम बताएंगे हिंदुओं को खत्म किया मोदी गवर्नमेंट ने, आप ये कहना चाह रहे तो ये नहीं, मुझे ये जानना है क्योंकि ये कहना अगर ऐसा हुआ ये कहना चाह रहा हूँ प्लीज, क्योंकि ये जनता को पता होना चाहिए, अगर ये हुआ है तो जनता को ये पता होना चाहिए कि हिंदुओं को मोदी गवर्नमेंट ने खत्म किया, जो सामने दिख रहा वही बता रहे ना, नहीं पर वो राम मंदिर, राम मंदिर का स्टोरी है, वो बताओ ना कि कहां खत्म किया उन लोगों को, तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, आप तो आपका आपकी सुई, आपकी सुई है जो भी हुआ आपकी, वो सुनिए सुनिए हुआ, नहीं नहीं पब्लिक के हिसाब से नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने किया, वो पब्लिक के हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है, वो पब्लिक के हिसाब से नहीं हुआ है, जो भी बोलने वाले थे, जो भी सनातन धर्म के लिए बोलने वाले थे, वो सारे के सारे अब जा खत्म हो गए हैं, जा साइड में कर दिए गए हैं, अरे महाराज हमें पता है हम जमीन पे, अभी अभी जो जितेंद्र नाथ त्यागी, जो सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन हमने करवाया, हमारे गुरु जी ने करवाया वसीम रिजवी का, ठीक है, वो अभी 4-5 महीने जेल में रह के आया है, 45 लाख रुपया उस पर तो वकील भी लगाया है, बाकी जो दूसरा खर्चा आया वो हमें पता है, और किसकी सरकार थी वो, किसका वो था, उसने बोला क्या था, कुछ भी नहीं बोला था, उसने भी यही बोला था, और जो किताबों में लिखा वो ही बोला था, और वो इस्लामिक स्कॉलर था, उसने बहुत चीज बोली थी, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि उसके पीछे कौन कौन, अरे बहन जी हमें पता है हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं,
संघ के टॉप पर जो बैठे हुए हैं ना संघ के, वो भी हमारे गुरु जी के मित्र ही हैं। और आपके राजनीति में जो टॉप पे बैठे हुए हैं ना अमित शाह वगैरह, ये भी नितिन गडकरी वगैरह, ये सारे हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु जी के मित्र हैं। नहीं, आप लेकिन आप हमारी बात नहीं समझे, आप हमारी पीड़ा नहीं समझ रही हैं। आपको केवल ये है कि मोदी इज द बेस्ट। ओके, मोदी इज द बेस्ट, हमें जाननी भी चाहिए। सुनिए, मोदी इज द बेस्ट, हम भी बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि मोदी इज द बेस्ट। लेकिन बेयर हमें ग्राउंड पे तो दिखना चाहिए। पंजाब में रैली रोक दी तो लाल किले पे तो हमारे उन्होंने झंडा खालिस्तानियों ने झंडा लगा दिया। तो महाराज जी, दो हाथ जोड़ के मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि मोदी सरकार बहुत सारी चीजें शायद नहीं कर सकी है जो आपकी या कोई भी एक आम हिंदू की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन अगर हम लिस्ट अच्छी और पॉजिटिव बातों का बनाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मोदी सरकार ने की है जो कि आगे किसी ने नहीं किया है। तो प्लीज हम उनकी जो सफलता जितनी भी है, हो सकता है 5% हो आपके हिसाब से या 1% हो, लेकिन उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, न कि उनकी लेट विनय जी एंड पाटिल जी फिनिश इट ऑफ एंड देन इफ द टाइम परमिट्स वी विल कम बैक अगेन। ओके, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। ओके, विनय जी क्विकली, हम नुपुर शर्मा और नवीन दिनदल के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द हिंदू संगठन्स टू डू, यू नो, नाउ प्रीटी मच दे आर ऑन देयर ओन, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग आल्सो। The most important thing right now is the fire has already been lit, and you know, so it started from a spark and now it's a fire, now it will become a conflagration. And a conflagration is basically it, they want to, you know, it's burning India. So right now, the Hindu activists, whoever it is, the Hindu supporting communities, they should stop talking about any of this. Like, you know, this is actually going to create more agony, and this is going to, because the minority community are one of those people, you say a small thing, they'll make a big issue out of this. And with the support of the political parties, they're going to even make it bigger. So this is the time that we got to shut our mouth and be quiet. Not shut our mouth in terms, but just not add fuel to the burning fire. This is what I'm saying. And at the same time, even the minorities have to be arrested, really, I mean, like, you know, without any care, like Oweisi and whoever, they should be arrested for hate speech, because these things should stop. And then the third thing that should happen is the PFI, which is the main, one of the main organizations behind all of this, should be banned. And banned meaning not just banned on paper, banned meaning arrested en masse. Your last word on this, Patil ji. See, PFI we cannot ban because it is a political organization. It definitely can be banned. Definitely can be banned. Okay, it's not a political organization. They have not contested any elections and they are not a political organization. It's a student movement. It used to be a student movement. It is a political party as per the election commission. Unless and until election commission disbands it, government take it. Election commission. 1 week back, there was a news it's going to ban, but they don't want to ban it. They want to keep them entertained. They have frozen the accounts. SDPI and PFI accounts have been frozen, where some, you know, fraud happened and all that. But as an organization, government cannot ban it unless and until election commission of India disbands this as a political party. On whatever grounds it is, I don't know the constitutional background, but election commission has to disband it. That's number one. Yeah. So, all points well taken. Mera bas yahi prarthna hai, Maharaj se, aur sabhi se, jinhone bhi Nupur Sharma ji ko, ya Jindal sahab ko, jisko bhi bachana chahte hai, bacha lijiye, hamare taraf se sab prarthna hi kar sakte hai, Ishwar se, aur kya kar sakte, hum dur dur jagah baithe hain, लेकिन आप संपर्क में हो महाराज जी, आप उनका रक्षा करिए, हम सब